चलो लोग हो गया यार बहुत फालतू के वादे फालतू दलां विखावा बहुत लगता सी कि नहीं शायद असी नहीं कर रहे असी तो उल्टा उन्होंने चंगे साबित होवे कमियां साढ़े च भी सड़े लोगों च भी सही असी अज ऑपोजिशन च है जो थोड़े लोगों को तवज्जो दी होंगी तो शायद अज भी असी भी लोग सत्ता च होंगे इस गल की थोड़े तो माफ़ी भी मंगते हैं बट जिथे आके दो चीफ मिनिस्टर एक दिल्ली का एक पंजाब का जिम्मेदारी देके गए हो गौर फरमाना चाहिए मैं बेनती भी करांगा सरकार नूं कि एक दिन उत्ते रहना बड़ा औखा है एक दिन टुप्पे बहना बड़ा औखा है टैंकी ते अज चौथा पंजवां दिन हो गया मैं समझना कि यह सरकार की नलायकी है सरकार नूं चाहिए ये जिहड़ा मुख्यमंत्री साहब का वो खुद आउण आके थानू तसली दवाउण और थोड़ा जिहड़ा नाल वादा किया सरकार बनाउण तो पहला उन्हूं पूरा करन ते साडी उह धीआणी कुड़ी नूं साडी भैण नूं उन्हूं थले लैके आउण क्योंकि वह भी किसे मापिया की धी है और यार उत्ते सौना बड़ा ही औखा पर मेरी थानू भी नाल बेनती है यार ध्यान रखो रात नूं थले थुले आ जा करो कई बार कोई हादसा हो जाता कोई दिक्कत आ जाती है उतों सुता पाया बंदा इधर उधर हो गया तो बड़ा ही नुकसान हो जूगा सो मेरी ये थोड़ा हाथ जोड़ के बेनती है भी रात बराते तो थले वैसे तो थले आके प्रदर्शन करना तो मैं ओपोजिशन है पर मैं तो थोड़ी बेनती करूँगा थले बेशक आप कोई गल नहीं असं लोग भी विधानसभा से गल बिल्कुल इजलास थोड़ी लड़ाई लड़ांगे पर नाल नाल मैं भी बेनती करांगे कि तुसी नीचे बैठ के प्रदर्शन कर लो कोई हादसा हो गया फिर जा जानी होगी उन्हें नहीं मुड़ पहला अगर साथी नौकरी पता नहीं मिलनी है कि हर एक भक्ति की शहीद भी हो चुके हैं शहीद हो गए साडी जिन्ने मतलब जी मारी बकरा बना बड़ी कितने एमएलए तो उठ भी जाके मिशन संस्कार से भी अजीब जो साडी सरकार आज नौकरी है उनके घर वाली बड़ी डैमेज ढाई किले वाण ने बच्चे की 5 साल की उम्र घर का बहुत बड़ा बड़ा घर ने ऊपर ही मर गया सी डेंगूरा मर गया सी कई मेजोरिटी के लोग बच्चे का भी स्टैंड होंगे जी अपने अमेंडमेंट कर लेंगे शाम को घर भी आ जाऊगा जी ये साढ़े एक तरीक नी पांच दिन देने थोड़ा खुद मीत मिले ही नहीं कल भी मिले कल भी टैंकी करके मिले खर्चा करके जाने गड्डी का खर्चा सर उ जाके कह दें मीत हेयर के बार मूहे प्रोटेस्ट किया जी अभी
कुछ खा पी लेने लगनी है लड़ाई लड़ांगे थोड़ी मैं सवाल लाऊंगा थोड़े नाल वादा कर दे नहीं पर मैं नहीं पर मैं विधानसभा थोड़ी आवाज पक्का चकूंगा थोड़े नाल वादा कर दे पर मेरी बेनती है तुसी साड़ी भैन हो कृपा करके कई बार कोई हादसा हो जाता है मैं जरूर थोड़ा विधानसभा दे विच ए गल जरूर चकांगा शुक्रिया सर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी साडे लिए आवाज़ ए थोड़े नाल वादा करदा है नौकरी कोशिश करांगे जे आपां सब लोग जिउंदे रहे तो फिर ही आपां नूं नौकरी दे काम आउणा है चलो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है जिंदगी जदो जद करनी पैंदी है लड़ाई लड़नी पैंदी है तुसी लड़ाई लड़ रहे हो बहुत चंगी गल है आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हो ये चंगी गल है तुसी सही हो मैं समझदा थोड़ी ओवर एज हो जाएगी तो फिर थोड़ा कौन रखेगा मैं समझ गया कि ओवर एज हो चुकी है जे आ मौका गवाच गया फिर कदे नहीं मौका मिलना थोड़ी लड़ाई जायज है लड़न लई तैयार है लेकिन जिथे तुसी चढ़े हो कल नूं इस गल नाल होर दुख तकलीफ परिवार नूं सामना करना पै सकदा है मेरी बेनती है थल्ले आके धरना ला लो पूरा कारण यह है कि मौसम खराब होया जा इत्थों बंदे दा पैर तिलकिया ਜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗੇ ਸਰ ਥਿੱਲੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ 150 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਤਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੂਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੁਗਰ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਦਿਓ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਡੇ 646 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ 646 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ
अगर सरकार करना चाहे तो उन्होंने तो यह गल भी कही थी ना भी हरा पिंड सरकार ने तो यह भी गल कही थी कि मैं पर शायद साडे लिए वो पिंड गवाच गया मैं पंजाब दा हर बच्चे नु नौकरी लावांगा ये भी गल कही थी सरकार ताई सेहत सिक्ख्या दे दी उपरे आ रहे ने उपरा ने तुहाडे कोल माड़ा
सर सिर्फ एक डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हैरान कर रहे जी, क्योंकि डिपार्टमेंट ना तो सिक्ख्या मंत्री सही लाइन गाइडलाइन से लैके आ रहे हैं भी किवें यह भर्ती है सर उन्होंने भी असल जद कोर्ट के थ्रू आए हैं असं कोर्ट के थ्रू आए जी कोर्ट के सर कहना क्लीयर कर लड़के संघर्ष करके 11 साल केस भुगते सर उदो केस ना सर चो एक तो उदो केस चल रहा सर पहला कोर्ट से जी जो सर फैसला वो चोन जाप कोर्ट केस से सर चोन जापता लग चुका चलो बदलाव पाल दी सर इसी बदलाव बिलकुल पता लगे इस बार सर एक चीज़ होर सी क्योंकि डी जी जो कल हो दस जी कल मीटिंग हो कल बस का उद्घाटन कर के गए सर कला कला विधायक उस तो पहला जी अखरपाल चीमा जी अनमोल गागन जी सवेरे शाम जज की मैं अपने इन्होंने कहा हो पर करो इन्होंने तो कुछ नहीं करना सर लिस्ट ही बनी थोड़ी जी कोर्ट केस तो अभी क्लीयर हो जाए गरीब घर जी जायजा ला दी दिहाड़ी कर करके पढ़े जी पर हम अनमैरिड मुंडे ने 40% मुंडे जी पर बन गई नौकरी नहीं मिली मैरिज नहीं की गैंगस्टर बन गई जी अतवादी बन गई जी ਸੌਂਦੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ
सर साडी तां बेनती इही आ वी अरविंद केजरीवाल जी इस कुड़ी नूं उहदी भैण बना के आए सी ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਏ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਪਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋੜੀਵੜ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਜਰਾਮ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਠੀਕ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਰ ਸਰ ਸਾਡੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਰੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਜੀ